52 साल हुकूमत करने के बाद डेनमार्क की मलिका मार्गरेट दोम का इक्तदार छोड़ने का ऐलान। बीबीसी के मुताबिक मार्गरेट ने नए साल की तकरीब से खिताब के दौरान इक्तदार से दस्तबरदारी का ऐलान किया है। मलिका मार्गरेट ने अपने खिताब में कहा कि 14 जनवरी को इक्तदार अपने बेटे शहजादा फेडरिक को सौंप दूंगी। इक्तदार छोड़ने का ये फैसला 2023 के अवाल में कमर की होने वाली सर्जरी के बाद कर लिया था और खिताब के दौरान मलिका मार्गरेट ने कई सालों से उनकी हिमायत करने के लिए डेनमार्क के अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। मार्गरेट ने 1972 में अपने वालिद किंग फेडरिक की मौत के बाद तख्त संभाला था। 83 साल की मलिका ने डेनमार्क पर 52 साल हुकूमत की। रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क की मलिका मार्गरेट बरतानवी मलिका एलिजबेथ के इंतकाल के बाद यूरोप की वाहिद मलिका है।